बताइए ना, आज प्रैंक कौन लक्ष्य करते हैं। वैसे भी आजकल तुम्हारी वजह से मुझे स्पॉन्सर नहीं मिल रहे। स्पॉन्सर क्या, मैंने 4 दिन पहले कॉल किया था तुम्हें कि छिपकली ने आत्महत्या कर ली डर के। सो हेलो गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग। और देश के सभी युवा जा रहे हैं टीवी खरीदने, क्योंकि हमने एक और टीवी तोड़ दिया। नहीं, टीवी कहाँ से तोड़ दिया, टीवी था ही नहीं। अब तो हम दीवार पे स्क्रीन लगा के देखे हैं बड़े बड़े लोगों की तरह। तो एक टीवी लेने जा रहे हैं, वो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, क्यों लेने जा रहे हैं, वो स्टूडियो में लगाना बेसिकली। क्योंकि जब मैं कभी स्टूडियो में अकेला हो, भाई लोग इक्वालिटी की बात करें, ये वाली जॉब देके देखो लड़कियों को एक बार। वो बंदा नीचे उसमें घुसा हुआ गड्ढे में, लड़कियों को एक जॉब तो दिखे बस, वो थिएटर में लड़ने वाले। हाय कैसे हैं आप? मैं कह रहा लड़कियां वही वाली जॉब कर सकेंगे जो लड़का नीचे घुस रहा बेचारा। अच्छा एक बात बता, लाइफ कैसी चल रही? लाइफ मेरी बहुत सॉलिड चल रही, भगवान की दुआ से और आप लोगों की दुआ से और मेरी यूट्यूब फैमिली की दुआ से। यार भगवान ने देखे होगा, कभी भी कुछ भी हो सके, कभी भी कुछ भी हो सके, लाइफ साली बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज। नहीं एक बात कह के चलेगा, एक आदमी वक्त है बदल जाएगा। बदल गया, बदल गया, बदल गया, पर बदल गया, बदल गया, पर टाइम हुआ चेंज, पर वही सेम यार, साडे वही सेम बीफ दे। अब तो कुछ सेम नहीं रहने का, अब तो सब बदलेगा। चलो एक ऐसी बात पता चली, व्यक्ति का बटवा गिर गया नेचर, फालतू बोल रहे थमता नहीं करता जा रहा बाहर। बताइए ना आज प्रैंक कौन लक्ष्य करते हैं। चुत्तड़ फटन ने कहां गया, क्योंकि लेके तो चला आयो घर से, जिम में मिलने का नहीं, टीवी कहां से लेगा, सीडियो पे पड़ा मिला हमें जब हम पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे इसे। अभी हम टीवी खरीदने जा रहे तो और पैसे वहां मिलने के नहीं। डाका को दिखा एकदम एकदम ऐसा उठाया डाका ने, मुझे पता नहीं खर्च कहीं गिर गया होगा, पता लगा चौधरी सा होगा। कहां तेरे ड्रॉर में भी देखा कहीं नहीं है, रूम में मेरे रूम में भी नहीं है। तू उठा के चला था वॉलेट? हां यार मेरा वॉलेट रखा कहीं, वॉलेट कहीं रूम में देखो, किचन में देखिए कहीं, मैं पानी पिया था यार, फ्रिज के ऊपर देखिए, फ्रिज के ऊपर और रूम में मेरे पक्के देखिए, वॉलेट है क्या लक्ष्य का अंदर, लक्ष्य का वॉलेट है अंदर, भाई ले रहा है तू? नहीं नहीं मैं तो ऐसे कर अंदर ही मिल जाएगा। ले पता कहाँ पड़ा था? हाँ जिन्ने पर है, हाँ ले जिन्ने में गिरा जेब में से कहाँ रख रखा था। दादा को दिखा देख दिख कभी किसी इसके अंदर सिर्फ एक चीज ऐसी है जो बनने में दोबारा ढेरी दिक्कत हो जाएगी। तो हमने सारे टीवी की क्वालिटी चेक की और फिर ये वाला ले लिया, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया आ रही है, सब साफ साफ दिखेगा भी, मतलब बिना नशे के फील होगा कि हम हाई हैं। कल हम देखने गए थे रोकी रानी की प्रेम कहानी और आज वापस से इसके चैन नहीं है, बाकी सब तो बेचारे थक हार के सो रहे लग रहा है। बता सारे तो जल्दी हट जा चुका, वो अंदर थिएटर लग रहा जो उसमें चलाते हैं बढ़िया है। वैसे मिशन मिशन इम्पॉसिबल है वैसे थिएटर में देखने वाली पिक्चर। मैंने सुना मिशन इम्पॉसिबल में ना आखिरी 5 मिनट में स्टोरी, पूरी मूवी में 1.5 घंटे तो भागता है। यार अब बताऊं, अब तो वो एक क्या बोल लग रहे हैं उसे अचीव कर लिया ना उस सीरीज ने, मिशन इम्पोसिबल ने वो लेवल अचीव कर लिया, अब तो टॉम क्रूज बस अपने नाम के लिए बना रहा। पर एक बात है, इतना नंट दिक्कत ही है कहीं ना कहीं। पुरानी जितने आप पीछे चले जाओगे ना मिशन इम्पोसिबल उतनी अच्छी। कल हम भी आईने सीन देख रहे थे ड्रिफ्ट में, सबको दिख रहा था। अरे वो बाइक वाला सीन तो कम से कम उन्होंने 40-45 बार किया यार, कुछ तो बात है। नहीं दब दिया फिदा नहीं थी टॉम क्रूज जो मेरी छत्ती पर चला दे टायर। 1982 का हीरो है, दिखने लगा इसके चेहरे का बुढ़ा हो गया, 60 साल की उम्र होगी इसकी, 60। जो मिशन इम्पॉसिबल सुनू वाली ना, इतना सोना लगा तेरी कसम में, सो सके तो इसकी बात एक बार उस वाले की था। और अरे अब भी तो वही होगा, सुपड़ जा बुढ़ापे में, बुढ़ापे में सुपड़ कर रहा चेहरे पे जूरियां, चेहरे पे जूरियां, मेकअप ज्यादा करना अपने। अच्छा वो चल रही ना अचीवमेंट स्टेप बाय स्टेप, शौर्य की लाइफ में भी फ्लैट ले लिया, फिर रूममेट आ गए सब आ गए, तो आज इन्होंने कुक इनका आया, तो मैं ना यूं कह रहा था इससे कि हम भी मतलब वो कुक लगा सकते हैं एक बार, तो उससे काम करा के देखियो कैसा काम कर रहा। तो पता है इन्होंने आज उससे क्या काम करवाया, उससे एक ब्रेड ग्राम करवाई इन्होंने, मैं कर देता हूं और फिर भेज दी। नहीं सफाई कर भाई कुक से आज तो, अरे सारे काम कर भाई
पोछों के हाथों से रोटी बन रही है। आटा गूंथ दिया पोछे वाले तुम्हें कह नो गयो तुम्हें तो टाउन हॉल की रुमाली रोटी लग रही है। वो वाला टेस्ट कैसा आया भैया? नहीं नहीं पता भैया टाउन हॉल वाली रेसिपी इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें बताओ दिक्कत हो रही हॉल में जाके? नहीं दिक्कत तो हॉल में से निकलने के बाद होगी एक बजे नोएडा में। आज ना गाड़ी ना कुछ कर दिया आज सारी। वैसे भी आज बुलेट के ऊपर वो आ रही क्या बोल लग रहे हैं उसे गर्दिश। ये तो देख सही बताऊं फोन के अलावा कुछ नहीं लेके जाने। ऑनलाइन टिकट बुक कर दे भाई। फोन ही किसी कोई कह लगा को दे जाओ तो देना पड़ेगा रात को एक बजे नोएडा है। पर इसके अंदर तो ये जहाँ दो ततर ततर सुबह अपने भी देखे जाकर समस्या बड़ी आ जाएगी यार। मैं एक दिन हम सिर्फ एक बार हुआ ऐसा कि हम गाड़ी नहीं लेके गए थे और मूवी से हम एक बजे निकले और तभी एक गाड़ी का मैंने इतना भीषण एक्सीडेंट देखा था ना कि उसके बाद मेरे घर से कॉल आई थी कि बहन क्या अगर बिना गाड़ी के आज के बाद रात को बाहर निकले बुद्धि छेद दी जाएगी। तो और एक बहुत तगड़ी सवारी क्या आर एस पे चल रहे क्या अगर तो दो चक्कर मारो तेरी कसम आएं 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 तेरी कसम फिर तो लिख के ले लग वापिस नहीं आने। वो तो खड़ी हो जा गई खड़ी नहीं हो जाती उड़ा के ले जानो एडा मेरी बाइक चलन देते भाई रात को। तो उसमें पता भी नहीं ना बैट मैन बटन बटन कुछ गलत दब ब्लास्ट होगी। बैट मोबाइल है बैट मोबाइल है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट का बटन तुम्हारा कि जैसे तुम इतने टाइम से नोएडा रह रहे हो कोई दोस्त नहीं है जिस पर गाड़ी हो? बहुत है यार कहना लेकिन किसी का एहसान नहीं लेता बड़े भाई। वो ये पैसा कमाया हो ना कमाया हो नाम बहुत कमाया और सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न करी है कभी किसी से करवा के नहीं खाया। हमें क्यों ताने मार रहा गाड़ी नहीं पूछ पाए। एक बार बोला जिसके पास गाड़ी होगी वो हमारे जैसे चूतिया से दोस्ती करेगा क्या? अपने लाइफ में खुश रहेगा लड़की को मांगा रखी मेरे से। तो जो है गाइस अभी हमने द ग्रे मैन देखी और अपने अच्छे दो ढाई घंटे हम लोगों ने खराब करे या सही करे? ठीक था वैसे करने को कुछ था भी नहीं। ठीक था देख ये है कि शौर्य के भी नंबर जो है मेरी नजरों में अच्छे हैं। कोई कम नंबर वाला आदमी अगर मुझे भी ढाई घंटे ऐसी पिक्चर दिखा देता तो उसके इस टाइम में घोड़ा लाठी दे चुका होता। पर कोई नहीं अब बाहर घूमने चले चलो ना। 32A इसलिए पसंद है मुझे सोसाइटी। दाब नहीं गया सारे सारे बटन दाब दिए। सावित्री आ चुकी है अब वो सब ठीक है। सिक्योरिटी ये तो गप्पे लड़ा है फन करते हैं। एक बहुत सुंदर नाइट वॉक के बाद अब जा रहे हैं अंदर क्योंकि कल इतना तकड़ा रिग्रेट हुआ ना। कल मैं रक्षित सुबह किस टाइम तक जग रहे थे? सुबह 7 बजे सोए हम दोनों इतनी बात कर रहे थे और हम बात करने बैठे थे रात को 3 बजे। लक्ष्य मेरी बात लंबी चले हाँ, जब गहरी बातें करते हैं लाइफ के बारे में डिस्कशन हो और वहीं से एक नया फेज स्टार्ट हो गया। ये डिस्कशन पिछली बार 2018 में हुआ था। आज फिर मैं गया यार अभी रात के 2 बज गए तो अब अंदर चल गया अपना सोए नहीं तो क्या होगा कि सुबह फिर वापस इतनी लेट उठोगे। और लेट उठने का मतलब क्या है ना फिर मैं कोई काम नहीं करता क्योंकि मुझे रिग्रेट सी इतने हो जाए लेट उठते ही। और कल तो हाँ उसका भी कॉल आ सके और टीवी वाले भी यूँ कह रहे थे कि कल ही लगाने आएंगे तो ध्यान रखिए अगर कोई भी कॉल आएगा मेरे वाले फोन पे तो उठा लेना गाइस। वैसे भी आजकल तुम्हारी वजह से मुझे स्पॉन्सर नहीं मिल रहे। स्पॉन्सर क्या मैंने 4 दिन पहले कॉल किया था तुम्हें मैं क्या गया आई एम बिजी कॉल माई मैनेजर। मैनेजर खुद कह रहा तू मेरा फोन नहीं उठाता मगा आई एम बिजी कॉल योर सेल्फ। कुछ मन नहीं कर रहा यार वो ये थक चुका हूँ यार अपने आप को अनअवेलेबल दिखा के कूल समझता हूँ। हमारे कल के प्लान्स क्या हैं? कल के प्लान्स क्या हैं? या कल अपना स्लेवरी शुरू कर दें वापस से यूट्यूब की स्लेवरी पर जो लगे हुए हम वही चल रही मतलब वही कर वो यार डेली कंटेंट बनाओ अपलोड करो पैसा कमाओ सो जाओ फिर सुबह उठो फिर कंटेंट बनाओ। मैं तो सोच रहा मैं यार कुछ टाइम के लिए ना संन्यास पे चला जाऊँ कुछ लगभग 20-21 साल। ईट स्लीप व्लॉग रिपीट भाई व्लॉग ने तो कहना पूरी जीवन में दहशत उठा रखी इस टाइम। सही है एक तो साड़ी कोई बात छुपी नहीं रहती कुछ कोई बात छाती पे कितने बाल हैं योगी लोगों को पता इससे ज्यादा तो और क्या ही। क्या हुआ कोटा में ना बालियान ने भी शूज पहन रखे थे जो तुमने गिफ्ट करे थे उसे सब आके कह रहे भैया ये तो वही शूज है कुछ नहीं बची थी साड़ी ये तो वही शूज है जो लक्ष्य भैया ने गिफ्ट भाई इतने बुरे दिन आ गए कई बार तो मुझे इतना एम्बेरसमेंट फेस करना पड़े और क्या कर रहे हैं मुश्किल से 1 लाख व्यूज के लिए कर रहे हैं सब वो ये चंद पैसों के लिए बिक गए हैं लोग वे लोग हम ही हैं। जिन लोगों को रोस्ट करता था अब खुद वही बन चुका हूँ इसलिए तो मैंने लोगों को टोकना छोड़ दिया मगर मैं खुद कम थोड़ी हूँ खाली पर्सनल लाइफ तख्त पर रख रखी। यूँ मान ले व्लॉग्स भी एक कोठा ही है मान या ना मान पर्सनल लाइफ का कोठा ही है सब कुछ ही तो दिख गया यार सब पता लगे ये नंगा होना ही है और ज्यादा हो गया दिखाना पड़े इनको लोगों को मजा आया क्योंकि लोगों को भी तो नॉर्मल जब बात करते रहे तो मजा नहीं आता ना ये भी यूँ कहूँ को इसकी उंगली तो भैया तभी मजा आया बहुत रिश्तेदार कभी कभी इनको भाई गाली ज्यादा हो जा मगर लोग गाली देखे गाली देवे क्या कहते हैं इस बात।
अभी अक्षित यूं कह रहा है कि चलते ही सोते हैं, मगर अभी कहाँ, अभी तो थोड़ी देर इनको फोन चला लेता हूँ, अभी 2:45 तो 15 मिनट फोन चला लेता हूँ, फिर जब 2:12 हो जाएंगे अब तो 2:30 ही सोएंगे, जब 2:30 बज जाएंगे यार मेरा तो रोज का टाइम 4 बजे है सोने का, तो फिर 4 बज जाएंगे, फिर सुबह उठ के रिग्रेट करता हूँ, ऑन रिपीट यही। और घर वालों का जब भी फोन आ रहा है, मैं दिन में सोया मिल रहा, तो घर वालों को, तो घर वालों ने मेरे से उम्मीद छोड़ दी, अब उन्हें मेरे से कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं, क्योंकि इसका जीवन जैसे है जैसे घटना। और वैसे जैसे हमने अपनी हालत कर ली, खाना पीना रहना सोना, मुझे लग रहा है कि ग्रैंड पा के आसपास ही निकल लें, ग्रैंड पार हमारे में 1,000 साल का ही फर्क रहेगा। झाड़ू भी तो चाहिए, पहले झाड़ू ले आओ, किचन के उधर वाली गेट के पास रखी यार, कहां से आई है सर्विस चलाऊं, वो झाड़ू तो ले आ ये नहीं झाड़ू सीधा मारियो भी दिखाओगे कि चिपकली ने आत्महत्या कर ली डर के। भगे 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 इसके इस वाले के नीचे इस वाले के। अरे भाई मेरी डबू बाग में यू करो जिस दिन कोई चिपकली मरे उस दिन तो बढ़िया ही ब्लॉग ताऊ गए तो देखो डाइनिंग टेबल है जी जियो 80